जब मैं जवान थी, महीने में 2-3 मुंडे का प्रपोज मैनू आता ही था। ये और बात है कि उस वेले मैनू प्यार पूर का कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से बुढ़ी हुई हूँ कोई प्रपोज ही नहीं करता। सुन लिया करो दादी की कभी बात, बच्चों को सर्दी लग जाए तो ऐसे में दही ना खिलाओ, मीठी चीजें मत खिलाओ, गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी डाल के पिलाओ, आराम मिलेगा। सुन लिया करो कभी दादी की बात, 2-3 तुलसी के पत्ते, अदरक का टुकड़ा सिलबट्टे पे पीस के इसका रस निकाल लो, फिर 1 चम्मच शहद मिला के 2-3 बार दिन में दो, ठंड बगा। सुन लिया करो कभी दादी की बात, लौंग को थोड़ा पानी के छींटा डाल के उसको पीस लो, पीस के जो उसका पेस्ट बनेगा माथे पे लगाओ, नाभि पे लगाओ, बच्चों की सर्दी गायब। दादी की बात सुनोगे तो सुखी रहोगे। 1 कप पानी लो, 4-5 तुलसी के पत्ते, अदरक का टुकड़ा उबाल के पानी आधा रह जाए, उसमें फिर गुड़ डाल के उबालो तो ये पानी दो बच्चों को, ठंड भाग जाए। सुन लिया करो बेटा दादी की बात, याद रखोगे बच्चों को ठंड लगी हो तो उनकी नाक में सरसों का तेल भी डालो, सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, देखना ठंड भाग जाए। सुन लिया करो कभी दादी की बात, ये जो जोड़ों में सूजन और दर्द है इसको गठिया कह रहे हैं बहू, पानी खूब पियो, नारियल का पानी पियो, गाजर चुकंदर का रस बहुत अच्छा होता है तुम्हारे लिए। सुन लिया करो कभी दादी की बात, लहसुन का दूध पिया करो, जोड़ों का दर्द में आराम आता है, और सरसों के तेल में लहसुन को पका के उस तेल से मालिश करो। सुन लिया करो दादी की बात, हमेशा याद रखोगे जोड़ों का दर्द है तो हफ्ते में 2-3 बार शहद में दालचीनी मिलाकर खाओ, जोड़ों के दर्द में मदद मिल। सुन लिया करो दादी की बात, मरने के बाद याद करोगे गठिये का जोड़ों का दर्द है तो गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करने से भी काफी आराम मिलता है। सुन लिया करो दादी की बात, सर्दी से बुखार है तो मुलट्ठी तुलसी मिश्री तीनों को मिला के पानी को उबाल के उसमें शहद डाल के पी जाओ। हमारे जमाने में कहाँ डॉक्टर होते थे, सुन लिया करो दादी की बात, सर्दी से बुखार है तो पुदीना और अदरक का काढ़ा बनाकर पियो, आराम मिलेगा बुखार में बच्चे। सर्दी से बुखार है तो ताजे जितने ये लहसुन होते हैं अपने, उनको सरसों के तेल में तल के नमक मिला के खाने से भी सर्दी के बुखार में फायदा होता है। ताजे लहसुन को सरसों के तेल में गर्म करके इससे पैरों के तलवों में मालिश करोगे तो सर्दी के बुखार में आराम मिलेगा, ठंडे हो जाओगे, फिर कहोगे दादी कूल कूल। सुन लिया करो दादी की बात, सरसों का तेल बीच वाली उंगली पे लेके सुबह सवेरे नहाने से पहले अपनी नाभि पे अच्छे से मलो, इससे आपको बवासीर और कब्ज दूर होगी। सुन लिया करो दादी की बात, याद रखोगे सरसों का तेल अगर माइग्रेन हो जाए तब भी नाक में डालने से माइग्रेन में मदद मिलती है, या फिर गैस हो जाए तो भी नाभि में तेल लगाओ सरसों का। सुन लिया करो दादी की बात, रोज रात को सरसों के तेल से पैरों के तलवों की मालिश करोगे, एक तो थकान दूर होगी, दूजा आंखें स्वस्थ रहेंगी, यही बातें रह जाएंगी मेरी बेटी। मेरी नाक में सरसों का तेल इधर डालो, इधर वाली नाक में डालो, ना तो आपकी कोई जो त्वचा है वो खुश्क रहेगी, ना आपको कभी सर्दी जुकाम, ना साइनस, बढ़िया रहेगा बेटा लगाओ। दांतों का दर्द अगर परेशान कर रहा है तो 5 लौंग पीस के उसमें नींबू का रस मिलाकर दांतों पर मलने से दांतों का दर्द दूर हो जाएगा। सुन लिया करो दादी की बात, दांतों में कीड़ा लग जाए तो लौंग का तेल लगाना चाहिए, अगर तेल लौंग का घर में नहीं पड़ा कोई बात नहीं, 1 लौंग दांतों के अंदर रखकर उसको दबाएं,
उसका जो रस है वो कीड़े को भगा देगा। दांत का दर्द हो तो कपूर लगाएं, कपूर रणबीर कपूर नहीं, कपूर यानी जिसे अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं, इससे दांत का दर्द भी दूर होगा, कीड़े भी भाग जाएंगे। सुन लिया करो दादी की बात, रात को रोज सोने से पहले गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करके सो, इससे आप लोगों के दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, दांतों का कोई रोग नहीं। दांत में दर्द हो रहा, डॉक्टर सारे बंद पड़े रात को, क्या करोगे? अदरक का टुकड़ा लो, नमक लगाओ उस पे, दांतों के बीच में रखो, आराम मिलेगा, दादी काम आएगी बेटा। दांत के दर्द में अमरूद के पत्ते को एक गिलास पानी में उबाल के, जो उसका काढ़ा होता है, उससे भी कुल्ले करने से काफी आराम मिलता है। या फिर अगर आपके पास नीम के पत्ते पड़े हो उसको भी उबाल सकते। दांत के दर्द में अमरूद के पत्ते को एक गिलास पानी में उबाल के, जो उसका काढ़ा होता है, उससे भी कुल्ले करने से काफी आराम मिलता है। या फिर अगर आपके पास नीम के पत्ते पड़े हो उसको भी उबाल सकते। दांत में दर्द हो रहा, डॉक्टर सारे बंद पड़े रात को, क्या करोगे? अदरक का टुकड़ा लो, नमक लगाओ उस पे, दांतों के बीच में रखो, आराम मिलेगा, दादी काम आएगी बेटा। सुन लिया करो दादी की बात, रात को रोज सोने से पहले गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करके सो, इससे आप लोगों के दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, दांतों का कोई रोग नहीं। दांत का दर्द हो तो कपूर लगाएं, कपूर रणबीर कपूर नहीं, कपूर यानी जिसे अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं, इससे दांत का दर्द भी दूर होगा, कीड़े भी भाग जाएंगे। दांतों में कीड़ा लग जाए तो लौंग का तेल लगाना चाहिए। अगर तेल लौंग का घर में नहीं पड़ा कोई बात नहीं, एक लौंग दांतों के अंदर रखकर उसको दबाएं, उसका जो रस है वो कीड़े को भगा देगा। जब मैं जवान थी महीने में 2-3 मुंडे का प्रपोज मेनू आता ही था। ये और बात है कि उस वेले मेनू प्यार पूर का कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से बुढ़ी हुई हूँ कोई प्रपोज ही नहीं करता। जब मैं जवान थी महीने में 2-3 मुंडे का प्रपोज मेनू आता ही था। ये और बात है कि उस वेले मेनू प्यार पूर का कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से बुढ़ी हुई हूँ कोई प्रपोज ही नहीं करता।